अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आल्सो नोन एज डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स करती है कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसका ये है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब हमने कुछ भी करना है, कोई भी चीज मैयर करनी है, जो भी काम करना है, इस कलेक्टेड डेटा को हम करेंगे, ठीक है। सेकंड आ जाता है इसकी प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा को कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करेंगे। अब हम किन फॉर्म से प्रेजेंट कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में भी, और किसी डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीज डेटा कलेक्ट करना है, सेकंड उसको रिप्रेजेंट करना है, थर्ड चीज इसमें आ जाती है मैयर। अगर आपने कुछ भी मैयर करना है, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी, तो आप वो मैयर कर सकते हैं। हम वो चीज मैयर करते हैं जो हमारे डेटा को सही से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैयर से आ जाती है इसमें, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पर्पस। इसका पर्पस ये है कि डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट करना कि डिसीजन मेकर्स के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो, ठीक है। ये इसका पर्पस है, इसका पर्पस है हेल्प करना डिसीजन मेकर्स, हेल्प डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स टू मेक डिसीजन। ओके, अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक सर्वे लिया है एक प्रोडक्ट के बारे में, और हमने कहा है कि इस प्रोडक्ट को 1 से 10 तक रेटिंग है। अब हम कुछ रेटिंग्स यहाँ पर ले लेते हैं। नेम हम कुछ भी ले लेते हैं, नेम एज, एक ने फॉर एग्जाम्पल 9 किया है, 9। अच्छा, ये कुछ हमने रेटिंग ले लिया। अब हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, फिर इसको हमने रिप्रेजेंट किया किसी भी फॉर्म में, टेबल, ग्राफ या डायग्राम। हमने ही टेबल की फॉर्म में कर लिया, ठीक है, रोज को कॉर्नर बना ले दो। अब आता है मैयर, जो चीज इसमें से मैयर करनी हो मैयर कर सकते हैं। अब हम इसमें से क्या मैयर कर सकते हैं, हम एवरेज रेटिंग मैयर कर सकते हैं कि एवरेज रेटिंग है, यहाँ से एवरेज रेटिंग इसकी मैयर कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेटिंग क्या आई है। तो हम मोड फाइंड कर लेंगे, तो सबसे ज्यादा रेटिंग क्या आई है, 9 आई। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं। जिस तरह डिस्क्रिप्टिव का था इसी तरह इसका भी, उसको डिडक्टिव कहते थे, इसको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल इंडक्टिव। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें पॉपुलेशन लेते हैं। अब पॉपुलेशन में से हमें कुछ मैयर करना है, तो वो चीज मैयर करने के लिए हम उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेते हैं। अब उसके पर वो चीज मैयर करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन में भी वो चीज यही हो। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट मालूम करनी, तो इसके लिए सारे बच्चों की हाइट मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी स्कूल के कुछ बच्चे ले लेंगे डिफरेंट हाइट्स के, उनकी हाइट का एवरेज हाइट मालूम करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि पूरे स्कूल के सारे बच्चों के एवरेज हाइट वो होगी जो कुछ बच्चों की हमने हाइट्स लेके वहां से मेजर की, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पॉपुलेशन लेते हैं। इस एग्जांपल में पॉपुलेशन क्या था, पूरे स्कूल के सारे बच्चों की हाइट। अब उस पॉपुलेशन में कुछ मेजर करना है, हमने क्या मेजर करना है, एवरेज हाइट मालूम करनी है पूरे पॉपुलेशन की। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, हम सैंपल पॉपुलेशन लेंगे, उसी स्कूल के कुछ बच्चे लेंगे, उसके ऊपर वो काम करेंगे, हम उनकी हाइट मालूम करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि जो एवरेज हाइट आई है उस सैंपल पॉपुलेशन की, पूरे पॉपुलेशन की एवरेज हाइट भी वो, ठीक है। तो ये काम हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। एक सैंपल के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, एक पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं सैंपल पॉपुलेशन बेस पर, ठीक। तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक्स।